हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में कोरोना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आप देख सकते होंगे 20 अप्रैल 2020 11:07 सुबह का ये अपडेट दिया गया है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि क्या क्या अपडेट है अभी तक का। तो देश में कोरोना संक्रमित की संख्या फ्रेंड अब 17,325 हो गई है, जबकि ये कल संडे तक जो इसकी संख्या थी वो 17,265 मामले थे, जो कि आज सुबह 11 बजे तक कुछ मामले दर्ज किए गए हैं फिर से। तो सोमवार का ये राजस्थान में 17 पॉजिटिव केस आया है अभी तक, और उड़ीसा में 7 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये केस जो है वो और बढ़ रहा है। इससे पहले अगर बात कर ले फ्रेंड रविवार की, तो रविवार को कुल 1580 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है, जो कि एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो मैं आपको लास्ट 5 डेज के भी मामले दिखाऊंगा कि कितने आए थे। तो सबसे यहाँ पे पहले बात कर ले कि जो 1580 मामले आए थे इनमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में आए थे। तो महाराष्ट्र में एक दिन में यानी कल संडे को 552 मामले आए थे, जिसमें कि 400 से ज़्यादा मामले सिर्फ मुंबई से थे। वहीं अगर गुजरात की बात कर ले तो 367 मामले आए थे, वहीं राजस्थान में 127 मामले आए थे। तो इन तीनों राज्यों को मिलाकर ही 1046 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 1580 में हैं, और बाकी अलग राज्य से मामले आए थे। तो ये जो तीन राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये सरकार की तरफ से ऑफिशियली जारी किया गया है, तो मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ फ्रेंड। तो अगर कल तक की बात कर ले तो 17,265 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कि एक्टिव केस की संख्या की बात कर ले तो 14,175 यहाँ पे एक्टिव केस है जिनका इलाज चल रहा है, और इनमें जो ठीक हो चुके वो 2,546 लोग ठीक हो चुके हैं और वो घर जा चुके हैं। और अगर बात कर ले यहाँ पे मृत्यु की, तो 1543 लोग की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कहा है कि देश में आज से अब जाँच की क्षमता बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे फ्रेंड की उम्मीद है कि 31 मई तक रोजाना 1,00,000 जाँच होने लगेगी। जी हाँ फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी बात है कि रोज जो टेस्ट की संख्या है वो अब बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 15,000 से 20,000 होता था, अब रोज 1,00,000 टेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात कर लो फ्रेंड, कि मैं आपको बता रहा था कि 5 दिन की जो लेटेस्ट मामले हैं यानी कि 19 अप्रैल को 1580 मामले आए थे, जबकि 18 अप्रैल को 1371 नए मामले आए थे, ये 13 अप्रैल को 1243 नए मामले, वहीं 16 अप्रैल को 1061 मामले, 14 अप्रैल को 1031 मामले आए थे। तो पिछले 5-6 दिनों से मामले जो है 1,000 से ऊपर आ रहे हैं फ्रेंड। तो ये संक्रमण जो है वो कुछ इलाकों में और भी फैल गया, जिसमें कि UT भी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ भी कुछ एक दो मामले आ चुके हैं। वहीं अगर यहाँ पे बात कर ले टॉप 10 राज्य की कि कहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामला दर्ज किया गया है 4,200, जिसमें कि 507 लोग रिकवर हो गए हैं, 223 लोग की मृत्यु यहाँ पे हो गई है। वहीं अगर दिल्ली की बात कर ले तो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहाँ पर 2,000 से ज़्यादा मामला आ चुका है, जिसमें कि 290 लोग जो है फ्रेंड वो रिकवर हो चुके हैं। तो 290 लोग रिकवर हो गए, जिसमें कि 45 की मृत्यु हो गई है। वहीं तमिलनाडु में 1477 मामले हैं, जिसमें कि 411 लोग ठीक हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 1407 मामले हैं, जिनमें कि 131 लोग ठीक हो गए हैं। राजस्थान में कुल 1478 मामले हैं, जिसमें कि 205 लोग ठीक हो चुके हैं। और ये जो आप दर देख रहे हैं फ्रेंड, ये मृत्यु दर है हर एक स्टेट की अलग अलग। वहीं अगर गुजरात की बात कर ले तो टोटल 1743 कोरोना केस है, जिनमें कि 105 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 1099 टोटल केस है, जिसमें कि 127 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये जो सारे मामले थे, ये जो टोटल 7 राज्य थे उत्तर प्रदेश तक, इनमें 1,000 से ज़्यादा मामला है फ्रेंड। वहीं अगर 8वां राज्य की बात कर ले तो 858 मामला तेलंगाना में है, जिसमें कि 186 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो 647 मामला यहाँ पे है, जिसमें कि 65 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर और राज्य की बात कर ले तो यहाँ पे केरल में 401 मामले हैं, जिसमें कि 270 लोग ठीक हो चुके हैं, और यहाँ पे रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है, और यहाँ पे मामला भी अब ज़्यादा नहीं आ रहा है। कर्नाटक की बात कर ले तो 390 केस है, यहाँ पे 114 लोग ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 350 मामले हैं, जिसमें कि 56 लोग ठीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो टोटल 310 मामले हैं, जिसमें कि 62 लोग ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में भी 250 मामले हैं, पंजाब में 244 मामले हैं। तो ये सारे जो राज्य हैं फ्रेंड, जिसमें कि 100 से ज़्यादा का आंकड़ा है। और यहाँ बिहार से अगर बात कर ले तो यहाँ से जो नीचे के राज्य हैं, यहाँ पर 100 से भी कम का मामला यहाँ पर देखा जा रहा है। तो बिहार में टोटल 96 केसेस, उसी तरह से बाकी राज्य में केस जो है उनकी संख्या बहुत ही
कम है फ्रेंड। तो यही थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपको बता रहा था फ्रेंड। तो अभी तक यहाँ जो एक्टिव केस है वो 14,175 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। तो ये अभी तक की एक्टिव केस है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूले फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें क्योंकि अभी तक का लेटेस्ट अपडेट है ये, और जैसे ही कुछ नया अपडेट होगा मैं आपको फिर वीडियो शेयर करूँगा। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।